हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आ चुकी MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर नई भर्तियों के बारे में, जिसके बारे में जानने के लिए आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कमेंट और मैसेजेस किए हुए हैं। इस वैकेंसी के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी मिलेगी। साथ में आपको बताएंगे कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आने वाली मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जो कि GDS ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर है, वो कब तक में देखने को आपको मिल सकती है और उसको लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं। यानी कि इस वीडियो के अंदर आपको दोनों जानकारी मिलेगी। आप लोगों ने जो नोटिफिकेशन मुझे भेजा हुआ है MTS वैकेंसी का, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले ही आया है, और दूसरा GDS की अपकमिंग वैकेंसी को लेकर क्या अपडेट है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी इंडिया पोस्ट ऑफिस की किसी भी वैकेंसी के लिए आवेदन करके 2024 के अंदर बिना किसी एग्जाम और इंटरव्यू के चयन पाकर अपने गांव या जिले के अंदर सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो आप सभी इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके। अगर वीडियो आपको आपके काम के लगता है तो आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आगे आने वाली इंडिया पोस्ट ऑफिस या फिर GDS से जुड़ी पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दोस्तों, कल के दिन शाम टाइम में 2-3 ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड हैं, उन्होंने एक नोटिफिकेशन शेयर किया जो कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी किया गया और MTS की पोस्ट पर है। तो मैंने भी सोचा कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर तो MTS की किसी भी वैकेंसी को लेकर कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला, तो आखिरकार ये नोटिफिकेशन कहां से आया, किस लिए है, उसकी पूरी की पूरी छानबीन की, उसकी डिटेल निकाली। अभी आपको उस वैकेंसी के बारे में बताएंगे। क्या वैकेंसी सच है? अगर सच है तो इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है, कौन से राज्य से आई है, किसके लिए वैकेंसी है, कब तक इसके लिए आवेदन चलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी जानकारी आपको देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे GDS के बारे में। तो अभी आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मैंने एक टैग लाइन भी यूज कर ली है कि MTS भर्ती आ गई, GDS भर्ती कब आएगी। ये आपका सवाल है, टैग लाइन मैंने डाली है, लेकिन कल जो नोटिफिकेशन हमको शेयर किया गया उसके साथ यही बोला गया कि सर देखिए MTS की भर्ती भी आ गई, लेकिन GDS की भर्ती यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर आने वाली हजारों पदों पर जो भर्तियां हैं उनको लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। तो मैंने सोचा कि चलिए आपको इससे अवगत कराते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि ये जो MTS की वैकेंसी आई हुई है वो किसके लिए है और GDS की वैकेंसी को लेकर क्या अपडेट है। पहले तो ये जान लीजिए कि MTS हो GDS हो दोनों का क्वालिफिकेशन एकदम से सेम है यहाँ पर, क्योंकि आगे जो नोटिफिकेशन दिखाएंगे उसमें ये प्रूव करना ज़रूरी है कि GDS वाले MTS के लिए सिलेक्शन पाते हैं। तो उसके लिए आपको बता दें कि 10वीं पास वाले कैंडिडेट आवेदन करते हैं और छूट के साथ में उनकी उम्र 18 से 45 साल के लिए रखी जाती है। ये सभी वैकेंसी चाहे वो MTS की हो चाहे GDS की हो ऑल इंडिया लेवल पर ही होती है, लेकिन कुछ केसेस में जब ऐसी वैकेंसी आती है कि डिपार्टमेंट के द्वारा प्रमोशन किया जाता है GDS टू MTS, आपको पता होगा GDS से MTS बनते हैं और साथ में GDS से ही पोस्टमैन और मेल गार्ड भी बनते हैं। इसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि GDS से MTS बनने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन GDS से पोस्टमैन और मेल गार्ड बनने के लिए कम से कम 3 से 5 साल का समय लगता है। 3 से 5 साल के बीच में ही लेटर्स आते हैं जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पर जॉब होती है, लेकिन कुछ कैटेगरी में जैसे कि मैंने बताया स्टेट वाइज सर्कल चलता है, यानी किसी पर्टिकुलर स्टेट से ही वैकेंसी आती है और उसी राज्य का कैंडिडेट का जो है तो प्रमोशन भी होता है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑल इंडिया लेवल की जॉब, लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम काम करते हैं, आपको MTS की ही वैकेंसी के बारे में जानकारी दे देते हैं, क्योंकि आप लोग टाइटल MTS देख के आए हैं। हो सकता है कि आप GDS की वैकेंसी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो, हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड हों। अगर आप इंटरेस्टेड वाली कैटेगरी में आते हैं तो MTS की जानकारी देखने के बाद आप GDS की खबर को जरूर सुनिएगा, और अगर नहीं आते हैं तो MTS की जानकारी जैसे ही ख़त्म होगी आप वीडियो को छोड़ सकते हैं।
तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको MTS का नोटिफिकेशन मिल चुका होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको अभी तक इस नोटिफिकेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसके लिए हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया है। आप सभी डायरेक्ट naukrikhabar.com पे जाके भी टाइप कर सकते हैं, आपको हमारी साइट मिल जाएगी। इसके अंदर आपको पोस्ट ऑफिस ग्रुप सी करके एक पोस्ट मिलेगा, जहाँ पे MTS पोस्ट वैकेंसी की जानकारी और नोटिफिकेशन हमने शेयर कर दी है। पहला काम करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, हो सके तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। स्क्रॉल करेंगे नीचे आते हैं, देखते हैं कि इंडिया पोस्टल सर्कल यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से ही रिक्रूटमेंट है ग्रुप सी MTS के पदों पर। वेरियस नंबर ऑफ पोस्टें हैं, जॉब है 10th पास जॉब है और यहाँ पे 18 से 40 आपकी एज है। SC ST के लिए 5 और OBC के लिए 3 सालों की छूट भी है। अच्छा खासा सैलरी है MTS के अंदर आपका 60,000 प्लस यानी कि 60,000 से भी ज़्यादा सैलरी है। एग्जाम होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बताएंगे कि MTS की वैकेंसी के लिए आपको एग्जाम क्यों देना पड़ रहा। इसके लिए आवेदन मार्च 2024 से अप्रैल 2024 के बीच में चलने वाले हैं। अभी वैकेंसियों की जानकारी देखें, MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। अभी जब नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए टुडे टॉप जॉब लिस्ट है। अगर आज की नई सरकारी नौकरियों की जानकारी चाहिए तो आप सभी क्लिक करके बटन पे क्लिक करके इस जानकारी को भी देख सकते हैं। बाकी आ जाते हैं हम सीधे नोटिफिकेशन पे। यहाँ से जैसे आप लोग स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे, आपको मिलेगा इंपोर्टेंट लिंक का सेक्शन। यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है डाउनलोड नोटिफिकेशन का, क्लिक करके बटन भी यहाँ पे दी गई है, आपको इस पे एक बार क्लिक करना होगा। तो अभी हमने इस पे क्लिक कर दिया और लोडिंग लेके हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, सेम नोटिफिकेशन आप भी डाउनलोड करेंगे, प्रोसेस मैंने बता दिया है। ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्टमास्टर जनरल, ठीक है। एक सर्कल का नाम यहाँ पे डाला हुआ है, गुजरात सर्कल। ध्यान रखिएगा गुजरात की तरफ से ये वैकेंसी, ये नोटिफिकेशन है गुजरात के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है गुजरात सर्कल। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस है। अगर आपको इस नोटिफिकेशन का हम डेट दिखाएं तो आप यहाँ पे फोकस करेंगे 5/3/2024 यानी कि 5 मार्च के दिन ताज़ा नोटिफिकेशन आउट किया गया है। और उससे पहले अगर आप इस लाइन पे गौर करेंगे तो कुछ देखने को मिलेगा, वैकेंसी MTS 2023 यानी कि 2023 में जो MTS की वैकेंसी आनी थी उनका नोटिफिकेशन अब जाके आया हुआ है। या यूं कह सकते हैं कि 2023 में GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर जिनका सिलेक्शन हुआ उनके लिए वैकेंसी निकली हुई है। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, रिक्रूटमेंट टू दी कैडरे ऑफ मल्टी टास्किंग स्टाफ फ्रॉम एलिजिबल फ्रॉम ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी ईयर 2023 1/1/2023 से 31/12/2023 तक वालों के लिए ये जो MTS की पोस्ट पर वैकेंसी है वो आई हुई है। उसके बारे में यहाँ पे जानकारी भी दी गई है, कितने परसेंट यहाँ पे वैकेंसीज को जो है तो MTS के पदों पर, कितने परसेंट कैजुअल लेबर के पदों पर यहाँ पे रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। यहाँ से नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि MTS वैकेंसी ईयर 2023 फाइनल, यहाँ पे केवल गुजरात सर्कल की बात की गई है। OC SC ST OBC EWS यहाँ पे बताया गया है कि GDS ऑफ द रिक्रूटमेंट डिवीजन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है बेसिस ऑफ कम्पिटेटिव एग्जाम, यानी कि यहाँ पे आपको एग्जाम देना होगा। इस बार टोटल यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रैंड टोटल किया गया सभी कैटेगरी का, यहाँ पे मिला के 217 पद शायद बन रहे हैं, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये वैकेंसी कुल मिला के उनके लिए है जो कि GDS की पोस्ट पर सिलेक्शन पाए हुए हैं और गुजरात सर्कल के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ GDS से MTS के लिए वैकेंसियाँ आउट की गई हैं उसकी जानकारी है। तो यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं MTS के बाद GDS की। देखिए GDS को लेकर डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी अपडेट निकल के सामने नहीं आया है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे मेल और मैसेजेस कर रहे हैं और ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आपकी GDS की वैकेंसी मंडे तक आपको देखने को मिल जाए, मंडे के बाद कभी भी, लेकिन मार्च के महीने में आपको ये कम से कम देखने को मिल जाए। अभी तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि कभी वेतन वृद्धि होती है तो कभी ट्रांसफर नियमों को लेकर तो कभी GDS के डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वैकेंसी, लेकिन यहां पे फ्रेशर कैंडिडेट की जो GDS की वैकेंसी है उसको लेकर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, ना SS महादेवा जी, ना ऑफिशियल वेबसाइट, ना इंस्टाग्राम, ना टेलीग्राम, न यूट्यूब, न सोशल मीडिया, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी अपडेट्स हमसे शेयर नहीं की जा रही। कम से कम इतना बता देते हैं कि 12 और 13 फरवरी तक जो वैकेंसी अप्रूवल और फिक्सिंग की डेट थी वो फिक्स हो चुका है, उसके बाद आखिरकार
किस वजह से इन वैकेंसियों में डिले हो रहा है। क्या ये चुनाव को देखते हुए वैकेंसी नहीं जारी करना चाहते हैं या फिर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, जैसे कि वैकेंसियों के अंदर बहुत सारे बदलाव किए जाने थे, क्या वो बदलाव करने में दिक्कत आ रही है, क्या ऐसी वजह है जो कि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। देखिए, इंतजार करते हैं और उम्मीद भी यही है कि जल्दी से जल्द आपका नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी चैनल और वेबसाइट के साथ कनेक्टेड रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।